हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी डिफरेंट साइजेस ऑफ लीव्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड नंबर्स ऑफ लीव्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था, ठीक है। और अपन ने देखा था कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स को आप काउंट भी कर सकते हो, फ्यू नंबर्स ऑफ लीव्स दे हैव। ओके, some plants have some few numbers of leaves, while some plants, some trees have lots of leaves. okay, and we also discussed about texture of leaves, जिसमें अपन ने देखा था some plants have smooth leaves, okay, some have soft, some plants have rough leaves, okay, we discussed about them. okay, now today we are going to discuss about smell of leaves. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स गिव डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। सो दिस इज कोरिएंडर, सिल्वर डॉलर, यूकेलिप्टस। ओके, दिस ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट स्मेल टू। इट मीन्स डिफरेंट टाइप की जो लीव्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप की स्मेल, डिफरेंट टाइप की शेज, सॉरी शेप, साइज, टेक्सचर तो उनमें होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दीज दे हैव स्मेल टू, उनमें स्मेल भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सम लीव्स हैव ए पैक्यूलियर स्मेल, कुछ ही लीव्स ऐसी होती है जिनमें डिफरेंट टाइप, बहुत ही अलग स्पेशल स्मेल होती है। वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाय द स्मेल ऑफ इट्स लीव्स, और अपन उस प्लांट को उस लीव्स की स्मेल से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीव्स ऑफ नीम, लाइक नीम की जब भी अगर आपने लीव्स देखी है या अगर आप देखते हो तो उसकी स्मेल से ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी जो लीव्स हैं उसकी स्मेल क्या कैसी है, या फिर उस लीव्स की स्मेल से आप ये बता सकते हो कि ये लीव्स किसकी है, नीम की। ओके, तुलसी, तुलसी की लीव्स से भी आप बता सकते हो कि ये तुलसी की लीव्स है। ओके, लाइक दिस मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड यूकेलिप्टस एटसेट्रा। दिस ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल एंड डिफरेंट स्मेल। ओके, आर सम एग्जांपल ऑफ लीव्स दैट हैव ए पेक्युलर स्मेल। इनकी जो स्मेल होती है वो डिफरेंट स्मेल होती है, स्पेशल स्मेल होती है। इनकी स्मेल से ही आप इनके प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पार्ट्स ऑफ ए लीफ। ओके, पार्ट्स ऑफ ए लीफ, अपन ने डिफरेंट टाइप, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर ये सब तो अपन ने देखा, लेकिन ये जो लीव्स होती है, अगर पर्टिकुलर किसी भी लीव की आप बात करो तो उन सब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सारे मिलके क्या बनाते हैं, वन लीव बनाते हैं। सो लीव्स ग्रो ऑन ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स विच आर अटैच्ड टू द स्टीम। लीव्स जो हैं, ओके, ग्रो ऑन ब्रांचेस, ये ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ऑन ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो ब्रांच होती है उस पर ये ग्रो करते हैं, विच आर अटैच्ड टू द स्टीम, और इनकी ये जो और ये किससे अटैच होती है, स्टीम से अटैच होती है। ओके, देन स्टडी दिस डायग्राम टू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स। ओके, हो सकता है इनकी शेप साइज डिफरेंट हो, बट ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सभी टाइप्स की लीव्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ दिस इज, अब देखो ये जो पेटियोल है ये आपको ऑल लीव्स में मिल जाएगा, ठीक है। सभी टाइप्स की जो लीव्स हैं उनमें पेटियोल आपको डेफिनेटली मिलेगा, और ये जो ब्लैंक स्पेस है, आप यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस देख पा रहे हो, ये पूरा ये क्या हो गया आपका लीव ब्लैड, इसको आप क्या कहोगे, लीव ब्लैड। तो ये भी आपको ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स में मिल जाएगा। इसी टाइप से आपका ये क्या हो गया, स्टोमेटा। होल्ड ऑन, ओके, जो ये जो इस तरह से आप ये जो मेन लाइन देख पा रहे हो इधर, ओके, दिस इज पेटियोल,
ये जो पार्ट है जो लीफ को ब्रांच से अटैच करता है, उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? पेटियोल। और यही पार्ट जब आगे इस लीव से स्टार्ट होता है और आगे ये जो मेन ब्रांच इधर बन रही है, इसको आप क्या कहोगे? मिडरीफ। ये क्या हो गई आपकी? मिडरीफ हो गई। और इसी मिडरीफ से जो स्मॉल स्मॉल इस टाइप से ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, उन ब्रांचेस को आप क्या कहोगे? साइड वेन्स। ये आपकी क्या हो गई? साइड वेन्स हो गई। ओके। और अपार्ट फ्रॉम मिडरीफ एंड साइड वेन्स, जो आपका ये ब्लैंक पार्ट इधर है, इसको आप क्या कहोगे? लीफ ब्लड। ये पार्ट आपका कौन सा हो गया? लीफ ब्लड। नाउ वी हैव स्टोमेटा। अब आप स्टोमेटा को कैसे समझोगे? ये जो लीफ ब्लड है, इट मीन्स ये जो ब्लैंक स्पेस है इस लीफ के अंदर, इस ब्लैंक स्पेस में जब आप बहुत जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे और या फिर बहुत ध्यान से जब आप देखोगे इसमें, तो आपको स्मॉल स्मॉल पोर्स इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल इसमें दिखाई देंगे। और ये जो स्मॉल होल्स होते हैं, इन स्मॉल होल्स को ही आप क्या कहोगे? स्टोमेटा। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये होल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लीफ ब्लड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट लीफ। ओके, फर्स्ट वी हैव इज लीफ ब्लड। द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लड। ये जो लीफ ब्लड है, मैंने आपको ये बता दिया, जो ब्लैंक सरफेस जो होता है इसका, ठीक है, फ्लैट सरफेस जो होता है और ब्रॉड होता है, ब्रॉड हो गया ये इस तरह से। ओके, तो इस सरफेस को तो आप क्या कहोगे? लीफ ब्लड। नाउ मिडरीफ और मैन वेन्स। ओके, मैन वेन्स और मिडरीफ क्या होती है? इट इज थिक ट्यूब ऑफ सेल्स इन द मिडल ऑफ द लीव्स। ये इसका जो मिडल पार्ट होता है वो क्या हो गया? मिडरीफ हो गया। और इससे जो स्मॉल ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, वो आपकी क्या हो गई? मैन वेन्स। ओके, सो नेक्स्ट वी, सॉरी, इसको आप मिडरीफ भी बोल सकते हो, इसी को आप मैन वेन्स भी बोल सकते हो। जो मैं आपको स्मॉल ब्रांचेस बता रही हूँ, वो आपकी क्या हो गई? साइड वेन्स। ओके, दे आर स्मॉल ट्यूब्स दैट अराइज फ्रॉम द मैन वेन्स। ये स्मॉल ट्यूब्स लाइक होती हैं, जो मैन जो मिडरीफ है आपकी, जो मैन वेन है, उससे ये स्मॉल पार्ट्स निकले हुए होते हैं। पैटियोल, इट इज द स्टॉक ऑफ द लीफ दैट अटैचेस द लीफ टू द स्टीम। ये जो पैटियोल है, ये एक स्टॉक है, इस टाइप से, ये क्या एक स्टॉक है ऑफ द लीव्स, लीव का एक स्टॉक है दैट अटैच द लीव टू द स्टीम, जो क्या करता है? इस लीव को इस स्टीम से अटैच करने का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्टोमेटा। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव का सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उसमें होते हैं, और उन पोर्स को आप क्या कहोगे? स्टोमेटा। एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। और ये जो एयर है, जिसका अपन ने बोला ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन हमें गिव आउट करते हैं, देते हैं हमें, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, गैसेज का एक्सचेंज है, वो गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है? इन पॉट्स के थ्रू ही होती है। ओके, नाउ इन्फोबॉक्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लोज देयर लीव्स वंस इन ए ईयर। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें वन ईयर में वन टाइम पे क्या होता है, जो उनकी लीव्स होती हैं वो टूट जाती हैं। सम ऑफ देम लूज देयर लीव्स बिफोर विंटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें विंटर से पहले हो जाता है, वाइल सम लूज देम आफ्टर विंटर। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें विंटर के बाद ये जो लीव्स हैं वो टूट जाते हैं। ओके, देन सो वी स्टडीड अबाउट पार्ट्स ऑफ लीव्स, जिसमें अपन ने देखा लीफ ब्लैड, मिडरीफ और मैन वेन, साइड वेन, पैटियोल, पैटियोल, स्टोमेटा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल पार्ट्स ऑफ लीव। ओके, एंड देन इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट और फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।